नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल्स, और हम हाजिर हैं चैनल नंबर 9 पर अपना मैथमेटिक्स का सेशन लेकर, लाइव इंटरैक्टिव सेशन। आप भी हमारे साथ जुड़े, और आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल्स पार्ट 6, यानी कि ट्राइंगल्स के बारे में काफी कुछ आप डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। सो टुडे वी हैव दी सिक्स्थ सेशन ऑफ दिस चैप्टर ट्राइंगल्स। वी हैव आर एक्सपर्ट मिसेस बीना प्रकाश फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल, शी इज अ सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स। बीना जी नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। हेलो बीना, आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आपका। काफी सारे ट्राइंगल्स के पहले चैप्टर्स हो चुके हैं, आई एम श्योर ये पार्ट 6 है। तो कैसे रीकैप करने वाले हैं हम, और फिर उसके बाद आज क्या सीखने वाले हैं नया ट्राइंगल्स में? एक्चुअली ट्राइंगल्स चैप्टर में दो पार्ट थे, एक था कॉन्ग्रुएंस रिलेटेड और एक था इनइक्वालिटीज। तो पहला पार्ट जो था दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंस। तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद इनइक्वालिटीज, इसका कंटिन्यूशन आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, दैट विल बी नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स। दैट इज ट्राइंगल चैप्टर में आप क्या क्या सीख सकते थे वो हमने सीखा है यहाँ पे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि वी डिस्कस अबाउट द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, देयर वाज वन इनइक्वालिटी व्हिच इज रिलेटेड टू द साइड्स, दैट इज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दूसरा एंगल, ये हाईलाइटेड है, ये एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड आर ग्रेटर, इट इज ग्रेटर होना चाहिए था, ग्रेटर इज ग्रेटर, ठीक है। दैट इज, अब इसमें आपको कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, आपको क्लियरली इसमें दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे मैसेज है यहाँ पे, दैट इज आपके पास, ओके दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। अब मैं इसमें ऐसे ही पूछ लू, एडीसी से मुझे थोड़ा सा एंगल एसी बड़ा दिख रहा है, साइड एसी बड़ा दिख रहा है बाकी दोनों साइड से कंपेयर करते हुए, तो एंगल विच इज ऑपोजिट टू द साइड एसी, विच इज एंगल ऑपोजिट टू साइड एसी, इट इज एंगल बी। जो एंगल बी रहेगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री एंगल्स, दिस इज व्हाट इट सेज, ठीक है। व्हेनेवर यू कंपेयर टू साइड्स, आपने एसी और एबी को कंपेयर किया, तो एसी क्लियरली दिख रहा है, एबी से बड़ा दिख रहा है कि नहीं, तो आपको एंगल्स उसके ऑपोजिट मतलब एसी के ऑपोजिट एंगल बी है, एबी के ऑपोजिट एंगल सी है, तो एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल सी। ये है इस चीज का मीनिंग, दैट इज एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। So now is the question, the second question, the question attempt kiya tha last lesson, now this is the second question. Isme kya kiya tha, a triangle AN, triangle ABC diya hai. Isme sides AB and AC is produced to point P and Q. P and Q to the point say, now what we have, angle TBC, angle TBC greater than angle QCB. That is when we are comparing these two angles. Ye angle hai, एक एंगल ये है, सो लेट अस नेम दिस एंगल सो दैट वी कैन गो अहेड विद द सिंपलीफिकेशन। तो आई नेम दिस एंगल एज बी एंड लेट मी नेम दिस एंगल एज सी। सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव फ्रॉम हियर, एंगल पीबीसी, पीबीसी करेस्पॉन्ड्स टू एंगल बी, तो व्हाट वी हैव इज एंगल बी इज लेस देन एंगल सी, ये तो दिया हुआ है अपने को, ठीक है। एंड यूजिंग दिस You have to prove that the side AC, जो साइड ए सी है वो ए बी से बड़ा है। तो हाउ डू वी गेट इट, हाउ डू वी रिलेट इट, ए सी जो साइड प्रूव करना है फॉर ग्रेटर देन ए बी, तो इट हैज टू बी थ्रू एंगल बी, लेट इज ये एंगल दिस इज वन एंड टू, वन एंड टू से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप वन एंड टू कैसे लाएंगे इस एक्सप्रेशन में, हर क्लास में ये बताती हूँ, आपके पास एक एक्सप्रेशन रहेगा या आपको ढूंढना पड़ेगा, तो हाउ विल यू लुक फॉर इट, एवरी क्वेश्चन हैज अ हिंट हिडन इन इट। लाइक दिस क्वेश्चन में ए बी सी ग्रेटर देन ए बी, इट्स ओके, बट ए सी ग्रेटर देन ए बी आएगा थ्रू वन एंड टू, सो हाउ इज वन एंड टू कनेक्टेड टू बी एंड सी, वो आप देखिए, आपको एंगल बी से वन से कैसे कनेक्ट, बी एंड वन को कैसे कनेक्ट करेंगे, we all know one relation, what is that relation, angle b and 1 they are in one straight line, so one straight line matlab they form linear pair, ye aapne pichle chapter mein padha tha, 1 and b together makes angle 180 degree, so therefore angle b can be written as 180 minus angle 1, so inequality will continue, likewise angle c can also be written because angle c and 2 together forms a linear pair, dono ka ek straight line banta hai na acq, तो दिस मेक्स इट एंगल,
180 माइनस एंगल 2। अब बताइए इसके बाद क्या करना चाहिए आपको, आपको दिख रहा है स्टेप्स, क्लियरली दिख रहा है, व्हाट इज दैट, 180 इज अ कॉमन फैक्टर दोनों साइड, इजंट इट, 180 इज कॉमन फैक्टर, सो व्हाट डू वी गेट कैंसिल, सो व्हाट डू वी गेट अदर्स फ्रॉम दिस, वी गेट माइनस ऑफ एंगल 1 इज लेस दैन माइनस ऑफ एंगल 2। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वी नीड टू गेट रिलेशन ऑफ 1 एंड 2, नॉट नेगेटिव ऑफ इट, so we'll have to multiply both sides by minus sign. So what will happen if you multiply for to an inequality by negative sign? Like abhi mere example mein rakhte, this is and measure of angle 1, ye 1 numeral 1 nahi hai, this is a measure, we are assuming that iska ek representation is for 1. Maan lo we are discussing with numbers, theek hai, to ab mere paas ek number hai 3 less than 7, this is a number 3, number less than 7, ठीक है? Now, इसमें अगर मैंने multiply किया both sides by minus, if I multiply both sides by minus, this 3, what do we read this expression as? What will we read this as? Minus 3, isn't it minus 3 and minus 7. तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? What we see is the sign of inequality changes. This is an inequality that we have relation in inequality which you need to know. That is, अगर a is greater than b और a is less than, जैसे आप यहाँ पर ठीक है a less than b लिखा है, तो let me continue with this, a is less than b and we are multiplying both sides by a quantity c which happens to be less than, this quantity c is less than 0, the inequality sign will change. This is the relation in inequality which every child should be knowing. For example, 3 is less than 7. अब 3 less than 7 है, अगर आपने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी फाइंड दैट द इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, इट बिकम्स माइनस 3 ग्रेटर दैन माइनस 7. एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, आपने माइनस चेंज कर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स एंगल 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स एंगल 2. So what a relation do we have? जो less than है वो greater than हो जाएगा. So what is angle 1? Angle 1 is angle ADC. So आपको इसको relate करना इसके side. इसके side opposite कौन सा side है? इस angle के opposite side is AC. Definitely this AC will be greater than angle 2 के opposite side कौन सा है? AB. So therefore AC will be greater than AB. So this is what we have as a question based on angles. Inequality for a triangle. ठीक है? Okay. That is the next question है. So here we have angle B is less than angle A. Angle B जो है angle A से छोटा है. So what relation do we get from here? Angle B less than angle A. Can you frame a relation regarding the sides? Because हम angles को sides से connect कर रहे हैं. बताइए क्या? आपको दिख रहा है कोई relation? A angle B means ये angle. इस angle के opposite कौन सा side है आपके पास? AO. Yes. So AO. तो AO का relation क्या होगा? Will be less than angle A के opposite कौन सा side है? BO. OB. OB. So ये एक relation मिल गया. अब दूसरा relation बताइए. दूसरा relation इन्होंने दिया है angle C is less than angle D. अब C से कौन सा side बन रहा है अपना बताओ? OD. C comes as OD, definitely. OD is less than OC. OC. ठीक है? So these are the two inequalities that we get from this. अब अपने को करना है कि we have to get this AD, AD length. AD length कहाँ से मिलेगा? AO है हमारे पास, OD है. तो आपको AD कहाँ से मिलेगा? Look at this expression. दिख रहा है आपको? मैं कुछ इशारा कर रही हूँ, AD, AO से OD कैसे, AD कैसे मिलेगा, AO OD से कैसे मिलेगा? AO plus OD. Exactly, AO plus OD. और यहाँ क्या मिलेगा? वही चीज, OB plus OC. अब क्वेश्चन ये है कि इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज आएगा क्या? अब आप देखिए, आपके पास इनइक्वालिटी 2 less than 3 है, 5 less than 9 है. तो आपने क्या किया, इन दोनों इनइक्वालिटीज का एडिशन किया है. तो ये नंबर 7 है, ये नंबर 12 है.
What do you find in this inequality? Will the sign of inequality change? That's my question. That is what I'm trying to explain. Ki when the two same inequalities expression are added, we continue. Dekho, continue ho gaya na? 7 definitely is less than 12. So what do you find? This inequality sign continues. So what relation do you read from here? It is AD. Okay? This is less than BC. So then after is a proof. Okay. Yes? We are able to prove this result, no? Yes, Rahul? Clear yes. Voice, you mean? Keep yes, it out. Agreed. So now we move on to the next question, theek hai? Mm-hmm. So next question, kya diya hai inhone? AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. Ye ek ABCD quadrilateral hai. Isme AB, ab ye to I think very clear from the picture also. फिगर भी क्लियरली दे रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है शायद आपको। AB का साइज BC से भी छोटा दिख रहा है, CD से भी छोटा, दैट इज CD से सबसे, दैट इज AB इज स्मॉलेस्ट एंड CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्लियरली दिख ही रहा है आपको। यस, है ना? नाउ यूज विद दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल B, दैट इज अगेन दिस एंगल B, दिस इज एंगल B एंड एंगल D, दिस इज एंगल D. इन दोनों के बीच में रिलेशन हमको रिलेशन एग्जिस्ट करना है. हाउ डू वी गेट इट? हमने तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं किया है. सो हाउ डू वी ब्रिंग इन ट्रायंगल फॉर गेटिंग द क्वाड्रिलेटरल रिजल्ट? आप देखेंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्रायंगल में बांट सकते हैं बाय ड्रॉइंग दिस डायगोनल बीडी. तो अपने पास एक ट्रायंगल बन गए ए बी डी और ये दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी. Let's see what result are we going to get from here. Because हमने तो result चाहिए for this angle B. And when we draw this diagonal BD, we find that angle B has been divided into two parts. एक angle 1 है, एक angle 2 है. So how will they help us to get the result? ठीक है? अब एक minute. Let's take up this triangle ABD. ABD. ABD is a triangle. ठीक है? Now we are aware that AB happens to be the smallest side of this quadrilateral. So agar AB aur AD ko compare karenge, so which two sides, in dono ke beech mein kya relation dikh raha hai in terms of length? In terms AB of length less than BD? Definitely. So ye relation dikh raha hai na aapko, AB is less than AD, AB aur AD is less than. So what is the result related to angle? उससे रिलेट एंगल रिलेटेशन क्या होता है? एडी से ऑप डेफिनेटली तो एंगल 3 इज लेस दैन एंगल 1. क्लियर हो गया? एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर द ट्रायंगल बीसीडी. यू नो दैट सीडी इज द लॉन्ग, सीडी लॉन्गेस्ट है तो बीसी इज दूसरा साइड है क्वाड्रिलेटरल का, डेफिनेटली सीडी उससे बड़ा ही होगा. सो अगेन व्हाट वी हैव इज सीडी इज लेस दैन बीसी, तो देयरफॉर एंगल 4, सीडी इज बीसी के ऑपोजिट 4 है, 4 विल बी लेस दैन 2. Just now we have seen that when the two inequalities of the same sign are added, the inequality sign will not change. That is, angle 3 plus angle 4 is still less than the angle 1 plus angle 2. Now, what is angle 3 plus angle 4? See, when we add it, so what angle do we get? It is angle D. Actually, here we have construction. I have drawn this BD. It has been constructed. Otherwise, this was a quadrilateral. So, quadrilateral with this angle ADC is undivided. That's the reason they have used a single vertex D. It is not divided. इसको आपने बांटा नहीं है, parts में नहीं निकाला है. इसलिए इनको एक ये मैंने construct किया है. So, we can always go back to that single vertex D. ठीक है? D 3 and 4 मिला के D मिला is less than angle. What I mean is, आपने को ये तीनों वर्टेक्स दिखाने की जरूरत नहीं है, A, B, C दिखाने की जरूरत नहीं. We can always specify that this vertex B. B से आप दिखा सकते हैं, ठीक है? So we have to one result. Likewise, take up the next one. Take up the next one. दूसरी तरीके से divide कर दो आप triangle को, AC को join करो. Exactly the same thing. ABC triangle है, तो AB will be less than BC. So angle D will be less than angle C. Likewise, ADC में AC is greatest, so AD will be less than ABC. So angle B is less than angle C. इन दोनों को add कर दिया, you have that result. Angle D plus angle B is less than angle A plus angle B. Fine.
तो ये रिजल्ट क्लियर हो गया. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिजल्ट. तो इसमें वाला नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. PR इज ग्रेटर देन PQ. PR साइड ऑफ द ट्रायंगल PQR इज ग्रेटर देन PQ. एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR. ये बाइसेक्शन मैंने ऐसे दिखाया है बाय डिवाइडिंग द एंगल QPR विद द सेगमेंट PS. This is equal part, same part है and दोनों को label कर दिया same इसे A से label किया, ठीक है? Now we have proven that PSR and PSQ are equal. अब what is this PSR and PSQ? PSR is a part of the triangle PSQ, PSR and PSQ is a part of the triangle PQS. So how will this information give us this result? तो आप एक एक स्टेप लिखते जाइए, ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट. लाइक वी स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट, PR इज ग्रेटर देन PQ. PR PQ से बड़ा है, तो PR के अपोजिट एंगल 1 है, एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल 2. नाउ टू दिस यू आर एडिंग सेम क्वांटिटीज. अगर आपने सेम क्वांटिटीज एंगल सेम क्वांटिटीज एड किया है तो ऑब्वियसली वी विल नॉट हैव द चेंज ऑफ इनइक्वालिटी विल कंटिन्यू. तो एंगल 1 प्लस एंगल A बन गया, एंगल 2 प्लस एंगल B बन गया. Same thing यहाँ पे, what is angle 1 plus 8? Because हमें PSR लाना है, PSQ लाना है. So that is PSQ is the angle which is the sum of the angles that we have is 180 degree. So what will this angle third be equal to? It is 180 minus 1 plus 8. So वो exactly वो चीज़ लिखा है, 1 plus 8 का supplementary होगा third angle. So that is 180 minus angle 3. Letters 2 and angle A को मिला दो, 2 and angle A को मिला दो, it will be supplementary to this angle 4. That is, तीनों मिला के 180 degree होगा. So, 180 minus angle 4. So, we get again 180 cancels, minus angle 3 is less greater than angle. So, inequality sign change हो गया because we have multiplied both sides by negative sign. So, when you multiply both sides by negative sign, the inequality changes and you get this result, angle 3 is less than angle 4. So this is what you have from here. Angle 3 corresponding to angle P, S, angle, I mean, ulta likha yahan pe nahi. Angle 4, angle 4 is PSR, PSR, which is greater than angle PSQ. Clear hua, the angle addition ka clear ho gaya sir. Okay. Rahul ji clear hai kya? Yes, please. So what we discussed in the whole chapter was, how you can prove the congruence of the two triangles. And then after that, we discuss about the inequalities. Inequalities, one based on the sides of the triangles, the other based on the angles of the triangles. Angles and side. Angles and side. So, humne jo aaj questions kiye hain, that is based on angle and side. So, now let me take up one question, which we discussed before. Let me read out that question. Can you see that question? I did not want to bring the paper anyway. Now, what do you read in this question? Triangle ABC and triangle PQR. There are two triangles ABC and triangle PQR. In this, measure of angle and A and Q are equal. Measure of angle A and Q are equal. Measure of angle B and measure of angle R are equal. Which side of triangle PQR should be equal to side AB? Which side of triangle PQR should be equal to AB so that the two triangles are congruent? अब आप ये question को सोचिए, because we have the congruence rule. कौन-कौन से rules हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है एक ASA, then we have studied SAS, we have studied side, 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 and the third one is RHS. So, ये चारों में से आपको कौन सा वाला आपको यूज करना है इसमें ये देखिए. आपके पास इंफॉर्मेशन है दो एंगल्स का, ये इंफॉर्मेशन है दो एंगल्स का. सो देयरफॉर आपके पास इस ट्रायंगल में, लेट अस राइट डाउन बिकॉज इट्स आज और ट्रायंगल PQR. जब आपको ट्रायंगल PQR के बारे में पूछा था, लेट अस राइट डाउन द ट्रायंगल. फर्स्ट ट्रायंगल इज CAB. सो हाउ शुड आई राइट द ट्रायंगल? हमें इंफॉर्मेशन है AB के बारे में, तो C मैट्रिक्स को हटा कर रखा है. दिस इज CAB, दिस इज CAB, दिस इज congruent to, if it is congruent, PQ. Then in that case, बताइए क्या हो सकता है congruent इसके? देखो A जो है that is equal to the angle Q, B जो है that is equal to R.
अब इन दोनों चारों को देख के आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, ये बताइए। दो एंगल्स दिया है, फर्स्ट वाला है दो एंगल्स और उसके बीच वाला साइड, सो इज इट कनेक्टेड टू दिस एक्सियम और इज इट कनेक्टेड टू दीज कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स। ऐसे यहाँ दो साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तीन साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आप दो एंगल्स दिख रहा है, दो एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर सीन, तो हमें इसका कॉन्ग्रुएंस बनाने के लिए इसका कौन सा एलिमेंट इंक्लूड करना है, कौन सा एलिमेंट इंक्लूड करना है? द एलिमेंट दैट इज टू बी इंक्लूडेड इज द साइड, साइड दैट इज बिटवीन बिटवीन द टू गिवन इक्वल एंगल्स, जो दो एंगल्स दिए हैं, दो इक्वल एंगल्स दिए, ए कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, बी कॉन्ग्रुएंट टू आर, तो इन दोनों के बीच के जो साइड है, जो इन दोनों से बनता हुआ साइड कौन सा है ऑफ सी ए बी, ए बी, वो किसके इक्वल होंगे? तो इस वाले साइड में दैट इज यू हैव टू मेक इट कॉन्ग्रुएंट, यू हैव टू मेक इट कॉन्ग्रुएंट मींस व्हाट डू वी हैव, दिस इज द फर्स्ट साइड, ये पी क्यू आर बन गया हमारा, क्योंकि सी इज अन इट्स नॉट मेंशन, नथिंग अबाउट इसमें भी मेंशन नहीं है, तो वो इसका पोजीशन ये हो गया, तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी इक्वल टू दिस। सो इफ यू गेट इफ इफ ए बी एंड पी क्यू क्यू आर इक्वल, दिस इंप्लाइज द ट्राइंगल विल बी, सो यू हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस, सो व्हेन कैन यू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले अपने को दिखाना था, सो वी हैव टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंस फॉर द ट्राइंगल, सो वी रिमूव दिस, सो आपका प्रूव हो सकता है, ये है इनइक्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू साइड्स, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है एक्चुअली साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स है, तो दैट इज नोन एज सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज नोन एज पेरीमीटर। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे भी रीडिफाइन कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ग्रेटर दैन द ट्वाइस मीडियन, जो मीडियन दिया है उसे ग्रेटर है, कैन बी कनेक्टेड, ये प्रूव कर सकते हैं क्या? लेट्स स्टार्ट विद दिस। How do we prove it? In triangle ABD, this is just a recap of what we discussed in the last class. The sum of the two sides AB plus BD greater than AD. The sum of two sides will always be greater than the third side. Likewise, in the next triangle, in triangle ADC, what do you find? AD, AB, AC plus BC is greater than AD. AD. We are doing the same thing. Add the two. When we add the two, what do we get? AB दिख रहा है. AB plus BC. AC plus आपने जो BD plus DC है, why should we write it in a separate form? Why should we write it in one simple form that is BC? Don't we have this in equal to integration two times of AD? So what we get, that is sum of the three sides is greater than twice AD. Now, इसमें एक question है कि ये AD होना जरूरी है? Can't it be angle bisector? Can't it be orthocenter? Right. Will it make any difference if it is angle bisector or orthocenter? कोई difference नहीं आएगा. So therefore, we have this result, that is the perimeter can be proved greater than twice the median altitude angle bisector. So, right? So these are the things that we discussed in chapter triangles. So, जो क्वेश्चन अगर बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, you can always ask, otherwise we are done with this chapter. मुझे यही लग रहा था कि अभी जो ये चैप्टर आज हमारा पार्ट सिक्स है, ये सब बच्चों को एक साथ देखने होंगे ताकि उनका जो ट्रायंगल से रिलेटेड कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और आज जैसे आपने कहा कि ये कंप्लीट हो गए हैं, तो विल लुक फॉरवर्ड इफ वी रिसीव एनी क्वेश्चंस थ्रू द ईमेल, विल फॉरवर्ड इट टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने ये सेशन लिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। थैंक यू, थैंक यू। हमारा ये मैथमेटिक्स का सेशन यहीं समाप्त होता है, आप जुड़े रहिए पीएमई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, जिस पर हम अभी हाजिर होंगे थोड़ी ही देर में वेबिनार लेकर। देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल्स। नमस्कार।